वेलकम गाइस टू अनदर एपिसोड अनदर सीरीज, आप जो भी से कहना चाहे, साइलेंट ब्रेथ। एंड थोड़ी सी गेम आप लोगों को रेट्रो लग रही होगी देख के, बट एक्चुअली ये एक हॉरर गेम है। एंड ये जो हॉरर गेम है ये अभी तक वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक हॉरर गेम है जो तो अभी तक बनी है। एंड मैं भी फाइंड करना चाहूँगा कि ऐसी कितनी जो है ये हॉरर गेम हो सकती है। एंड गेम का नाम भी जो है साइलेंट ब्रेथ है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड साथ देखते हैं कितनी हॉरर है गेम ये। वेट अ सेकंड, क्या ये गेम है? यस ये गेम है। ये गेम काफी ज्यादा रियल लग रही है एंड ये अनरियल इंजन 5 पे बिल्ड है गेम। एंड अगर मैं ग्रासेस की ट्रिम देखो कितना ज्यादा रियल लग रहा है सारी चीजें। और सामने कुछ दो ऑफिसर्स हैं एंड टाइम जो भी हो रहा है 5:30 फेब्रुअरी 18, 1999। ऑफिसर्स क्या फेसेस जो है ब्लर्ड है पर हाँ गेम काफी ज्यादा रियल है। मजाक नहीं कर रहा था जब मैं स्टार्टिंग में रीड कर रहा था इसे। वेट अ सेकंड, अभी तक ये लोग जिंदा थे बाहर जो ऑफिसर्स थे एंड ये ऑफिसर्स भी जो है आप यहाँ पे मर चुके हैं। तीन ऑफिसर पहले सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी थी बट अभी काउंट करी जाए सो 4 बॉडीज यहाँ पे है एंड कुछ बॉडीज बाहर भी हैं। लोग ओके फॉरेस्ट से स्क्रीन क्या आ रही है? फाइंड द मिसिंग पर्सन बिफोर इट्स टू लेट। ओके हमें एक मिसिंग पर्सन को ढूंढना है एंड एक्चुअली गाइस गेम काफी ज्यादा रियल है, बस का एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा कम है बट हाँ गेम इज क्वाइट रियल। बट मैं उस मिसिंग पर्सन को इस पूरे जंगल में ढूंढू कैसे? कुछ तो हिंट होनी चाहिए हम लोग के पास। फिर वो सामने एक मेरे को ग्रेवयार्ड या तो कोई टाइप का हाउस देखने को मिल रहा है। यहाँ चलते हैं एंड भाई गेम काफी अच्छी है एंड फिलहाल अभी के लिए वहाँ ओल्ड ऑक्स सीमेंट्री। ओके यस ये ग्रेवयार्ड ही है। ग्रेवयार्ड में तो मेरे को ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये तो अंधेरा ही पूरा, इसको छोड़ो भाई। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एक्चुअली मुझे जाना किधर की साइड है, मेरे को जो मिसिंग पर्सन है उसे कब ढूंढना है। एंड अभी टाइम अगर देखोगे तो 6:25 हो चुका है। वेट यहाँ पे एक और मिसिंग पर्सन दिखा मुझे। ओके 1 out of 5 मिसिंग पर्सन मैंने फाइंड कर लिए हैं। टोटल हमें 5 ऐसे जो है मिसिंग पर्सन को फाइंड करना है एंड उनके पोस्टर्स को जो है हमें कलेक्ट करना है। द थिंग इज कि ये मैप जो है काफ़ी ज़्यादा यूज है, वैसे मैप हम देख नहीं पा रहे बट हाँ जितना मुझे लग रहा है कि हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं है लोकेशंस में। वेट यहाँ पे भी एक और है, क्या ये सेकंड पर्सन है? यस तो ये सेकंड पर्सन है। टाइम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ रहा है मेरे को, बाकी जो मिसिंग पर्सन है उनको भी यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा रात होने से पहले। कुछ नहीं मालूम रात होने के बाद यहाँ पे हम लोग का क्या होने वाला है। हाँ इधर तो कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। एंड सीरियसली गाइस व्हाट इज दिस? वेट ये तो ब्लैक आउट हो रहा है। ये अचानक से रात कैसे हुई? ओ गाइस अब थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा अब डर लग यहाँ पे लग रहा है। What is this? Hello? Okay, मैं ये बोल रहा हूँ। Okay, I got it. मैं समझ गया कि यहाँ पे एक्चुअली हो गया। जब मैं बोल रहा हूँ तो उस मेरा जो माइक है वो माइक कैप्चर कर रहा है एंड उसकी वजह से जो घोस्ट है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर मेरे को इनको अट्रैक्ट नहीं करना है
मेरे को जितना धीरे हो सके, जितना कम हो सके, मेरे को उतना धीरे बोलना है यहाँ पे। आई गॉट इट। चलो जल्दी करते हैं सारी चीजों को यहाँ पे। पेन सभी भी लाशें आ चुकी हैं एंड उठो जल्दी उठो सारे। इनसे हम पिक नहीं कर सकते हैं। आई गेस ये जो 5% है मेरे 5% को फाइंड करना है। लेट्स गो। एक तो मिसिंग पर्सन हमें यहाँ पे ग्रेवयार्ड के पास था। यस, दो मिसिंग पर्सन हमें इस ग्रेवयार्ड के पास दिखे थे। चलते हैं एंड अब थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जितना हो सके, जितना रेलेवेंट हो सिर्फ उतना बोलेंगे ताकि हम अट्रैक्ट ना करें यहाँ पे घोस्ट को। मुझे वो लग रहा है, मेरे ख्याल से इनसे बच पाना मुश्किल है क्योंकि ओपन फील्ड है, तो मुझे लगता नहीं कि इनसे बचने का। वेट अ सेकंड, यही तो वॉल थी जिस वॉल पे हमें लास्ट टाइम दिखे थे। अरे वेट अ सेकंड, मेरे ख्याल से ये ना हर बार में जितनी बार डेथ होगी तो ये चेंज होते रहेंगे। हाँ, एक हमारा ग्रेवयार्ड के अगर पास में ही है तो हाँ उसको आसपास ही होना चाहिए फिर। तो एक ही सामने रूम में भी दिखा था मैं, एक बार मैं इस रूम को भी चेक करूं। उम्मीद तो कम है मेरे को कि इस रूम के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे है, अगर यहाँ पे भी हमें मिला तो देखो भाई ग्रेवयार्ड में होना चाहिए। मैं मिस कर रहा हूँ जो ग्रेवयार्ड के पास है वहाँ पे। कहीं इसके अंदर ओके, इसे हम ओपन नहीं कर सकते हैं। बाहर तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। आई गेस ग्रेवयार्ड पे इस बार यहाँ पे नहीं है कोई भी। डू वी हैव मैप और समथिंग लाइक दैट? ओके, हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है एंड बस थोड़ा टाइम और हमारे पास बचा हुआ है। थोड़ा टाइम बाद यहाँ पे हो जाएगा अंधेरा। तो इस बार यहाँ पे पड़ी है उसकी बॉडी। There we go. Attention, evacuate the forest before sunrise. Okay, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे होगा कैसे। मैं थोड़ा सा धीरे यहाँ पे बोलने वाला हूँ कि obviously अगर मैं तेज बोलूँगा तो प्रॉब्लम देगा। Attention, evacuate the forest before sunrise. अगर आप यहाँ पे बॉटम में देखोगे तो वॉल्यूम मीटर है एंड मैं जितनी तेज यहाँ पे बोलूंगा या फिर मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ। ओके, मेरे को मतलब जैसी रात होगी तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट जो है साइलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं साइलेंट नहीं होता हूँ तो ऐसी मेरी डेथ यहाँ पे बार बार होती रहेगी। दिस इज बैड, दिस इज बैड। मैं क्या माइक्रोफोन को कम थोड़ा नहीं कर सकता क्या? मेरा माइक्रोफोन थोड़ा ज़्यादा ले रहा है एंड देखोगे
तो ये देख लो कितना यहाँ पे माइक्रोफोन कोलैबोरेशन को थोड़ा मैं कम अगर करूँ, इसको अगर मैं जीरो कर दूँ तो वैसे जीरो में मज़ा नहीं आएगा, तो अगर मैं थोड़ा बोल दूँ जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके इतना मेरा ठीक है ग्राफिक्स, ओके एपिक्स हैं, ओके आई गेस 10%, क्योंकि 50% बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर देखोगे मैं इतनी तेज़ बोलता हूँ तो 50% पूरा स्क्रीन हो रहा है, बट अगर मैं इसी स्पीड में बोलूँगा ताकि आप लोग सुन पाओ तो मेरे ख्याल से 10% काफ़ी ठीक है, आधा तक जाएगा। अगर मैं चिल्ला के बोलूँगा तभी यहाँ पे रेड बार पे जा रहा है, अदरवाइज नहीं। ओके माइक्रोफोन क्लैरिफाइड हमने कर दिया है, लेट्स गो। एंड ये उतना डर डर नहीं है इसको देख के, बट हाँ जो रात के टाइम के जो सीन्स है ना उनको देख के काफी ज्यादा डर लग सकता है। मतलब मेरे को अभी तक दो ही बॉडी मिली है, मेरे को फिलहाल मुझे एक और बॉडी अभी तक यहाँ पे नहीं मिली है, सो देखते हैं भाई अगली बॉडी में कितनी देर में मिलने वाली है। वैसे 7 मिनट का टाइम है तो हम दो बॉडीज तो काफी आराम से लोग ढूंढ लेते हैं। There we go. इस बार भी सेम बॉडी सेम लोकेशन पे है, मेरे ख्याल से पहली बार था कि जो बॉडीज थी वो अलग अलग डायरेक्शंस में थी। मेरे ख्याल से ग्रेवयार्ड में पता है वैसे एक बॉडी तो होनी चाहिए ग्रेवयार्ड में, बट आइडिया नहीं कि ग्रेवयार्ड में एक भी बॉडी क्यों नहीं है। तो अगर आप थोड़ी प्राइम लोकेशन को देखें तो ग्रेवयार्ड ज्यादा प्राइम लोकेशन को ही नहीं, यहाँ पे बॉडीज को होना चाहिए। ठीक है इस बार हम पे थोड़ा ज़्यादा टाइम है, ओ वेट यहाँ पे इस बार बॉडी नहीं है। और बॉडीज ढूंढना इतना डिफिकल्ट क्यों है, एटलीस्ट थोड़ी हिंट तो दो कि बॉडीज कहाँ हो सकती है। एंड ये बॉडीज हर बार मतलब अपना अपने आप में चेंज भी करने वाली है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रात भी जल्दी होने वाली है, मेरे को इस बार सिर्फ एक ही बॉडी मिली है। अच्छा थोड़ा सा मैं दूर चलते हैं, आई जस्ट वांट टू सी लाइक अगर मैं ज्यादा दूर जाता हूँ तो क्या यहाँ पे कोई एक इनविजिबल वॉल है जो हमें रोकेगी, या फिर ये जो वर्ल्ड है ये जनरेट होता रहेगा, कि मुझे लग रहा है ये वर्ल्ड जनरेट हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से इन्वायरमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ओके रात हो जा रही है। एंड अब शायद मीटर नहीं भरेगा उतना। इस बार जो है मीटर उतना नीचे आ रहा है, अगर आप देखो तो पहले मैंने जो था ना माइक का थोड़ा सेंसिटिविटी ज्यादा कर रखी थी जिसकी वजह से। हाय फ्रेंड, हाय, आई वांट टू प्ले हाइड एंड सीक, यू हाइड आई सीक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ready or not, here I come. Hey guys, ये मैंने जितना इसको इजी सोचा था ना कि है नहीं उतना इजी, 5 बॉडीज को कलेक्ट कर पाना इट्स नॉट इजी।
एंड ये मेरे ख्याल से मेरी थर्ड या फोर्थ टाइम जो है डेथ हो चुकी है अभी तक इस नॉटी। मुझे नहीं मालूम कितनी देर तक ऐसी जो है चलने वाला है ये। मैं यहाँ पे जो है बॉडीज ढूंढनी है, बॉडीज से मैं जो है पोस्टर जो है कलेक्ट करनी है। We can do one more thing. मैं शाम में रात कितनी देर तक रहेगी, बट अगर मैं रात के टाइम कोई एक शेड के अंदर जाके बैठ जाऊँ ये वो काफी अच्छा रहेगा। पता वही वो कितना इफेक्टिव रहेगा उसका आइडिया नहीं। यहाँ नहीं है इस बार, यहाँ भी नहीं है बॉडी। आई गेस इस बार मेरे को और डिफिकल्टी होने वाली है बॉडी को ढूंढने में। क्या बॉडी यहाँ पे है? ओके बॉडी सामने है। ये मतलब लोकेशंस यही है इन बॉडीज की। देखो इन दो बॉडीज को मुझे लोकेशन मिल चुकी है, ये दोनों तो देखो हमारे आसपास ही मिलेंगे, ये ज़्यादा दूर नहीं जाने वाली ये दो बॉडीज। बट हाँ जो बाकी तीन बॉडीज है उनमें से एक भी बॉडी का मेरे को आइडिया नहीं है कि वो बॉडीज कहाँ पे है। एंड अगर इन दोनों लोकेशंस पे नहीं है डेट मीन्स कि हमें कोई दूर की लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। इस रूम के अंदर बॉडी है क्या? यस तो यहाँ भी बॉडी है, दैट्स गुड। अब और कहाँ हो सकती है बॉडीज? ये है तो एक इनफिनाइट आप कह सकते हो कि मैप यहाँ पे बिल्ड होता जा रहा है, क्योंकि ये मैं श्योर हो चुका हूँ कि मैप जो है बिल्ड होता रहेगा इसी तरीके से। ठीक है सेकेंड यहाँ पर इधर मुझे कुछ एक नई चीज़ दिखी, ये मेरे को लास्ट टाइम शोर नहीं हुआ था। नहीं नहीं ये वही चीज़ है। रात होने वाली है। मैं नहीं जैसे मुझे एक लोकेशन मालूम है जहाँ पे मैं नहीं कर सकती हूँ छुपने की। फ्लैश लाइट मैं ऑन नहीं करने वाला हूँ। मैं थोड़ी देर यहीं रुकने वाला हूँ। फ्लैशलाइट ऑन करनी ही नहीं चाहिए थी मेरे को, इसको इसी तरह से रिवाइव सर्वाइव चाहिए था।
अगर मैं वहाँ पे उस मोमेंट पे अगर मैं फ्लैश लाइट ऑन नहीं करता तो उसको पता ही लगता। एंड बिल्कुल मेरे को आइडिया नहीं था, पता मेरे पीछे खिड़की भी है, ये मेरे को काफ़ी लेट में जाके जो पता चला। एंड बाकी जो है ट्री मिली के पीछे हाइड करना तो मेरे ख्याल से उतना एक अच्छा नहीं रहेगा। ओके यहाँ पे ये हो चुका है। हम हर बार इधर रहते हैं ना इस डायरेक्शन में, मैं इधर इधर डायरेक्शन में जाना चाहूँगा। यहाँ पे भी वेट अ सेकंड, यहाँ पे घर है, ये घर मुझे पहले नोटिस नहीं हुआ। वाओ अच्छा मैंने इधर दूसरा डायरेक्शन लिया क्योंकि हर बार मैं सेम जगह पे जा रहा हूँ। वहाँ पे देखो दो बॉडीज तो हमें मिली जाती है। इस चर्च में बॉडी है क्या? ओके एक बॉडी यहाँ भी है इस चर्च के अंदर। ओके 6-6 हो चुके हैं। हाँ मैंने भी नोटिस करा इधर में रूफ भी है। वैसे मैं ऊपर नहीं आता फिर मैं ऊपर नहीं जाता, तो मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं है। 619 मेरे ख्याल से मैं शायद श्योर नहीं, मैं शायद से उस लोकेशन तक पहुँच पाऊँ ग्रेवयार्ड के पास शायद से। मतलब चलो मेरे को एक नई लोकेशन मिल चुकी है जहाँ पे हमें पोस्टर मिलेगा। डेट मीन्स कि इन टोटल हमने जो है यहाँ पे तीन जो है हमने ढूंढ लिए हैं। ऑब्वियसली अभी हमारे पास तीन नहीं बटा, तीन आ जाएंगे। वेयर इज दैट ग्रेवयार्ड? ओके ग्रेवयार्ड इधर सामने। इधर है कोई लाश? इधर नहीं है। वैसे लाश नहीं बॉडी, विच शुड बी बॉडी। क्या इधर है ग्रेव? नहीं। Okay, मैं अगली वाली बॉडी को उस पास जाके मैं वापस नहीं आ पाऊंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास। वो ऊपर वहाँ पे है एंड देखो यही वो खड़ी थी, मैंने भी नोटिस नहीं करी। अब इस बार मैं यहाँ पे टॉर्च भी चालू नहीं करने वाला हूँ। मैं इस बार बस यहाँ पे जो चुपचाप बैठा रहूंगा पूरे टाइम। Be quiet. Don't move. I want to breathe you in. My friend, I want to play hide and seek. You hide, I seek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Here I come. Oh, no.
गाइस, इसको कर पाना इजी नहीं है. या इट्स नॉट इजी कि रात को किस तरीके से सर्वाइव करें. ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है, बट मैं इसको एक बार और में ट्राई करना चाहूँगा. बट हाँ, उस सेम लोकेशन पे नहीं. या आई गेस उस लोकेशन पे कुछ तो लूपहोल है, कुछ लूपहोल है जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा है. आई सपोज मैं यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, जिसकी वजह से जल्दी उसमें मेरे को तीनों को कलेक्ट करना है. एंड अगर इस बार भी रात को इन्होंने मेरे को मार दिया, इस बार जो मैं स्ट्रेटजी प्लान कर रहा हूँ, हाँ तब तो मैं समझ आऊँगा कि रात को यहाँ पे छुपे रहने से तो कुछ नहीं होगा. वी नीड टू फाइंड समथिंग एंड फिर हम उसको फाइंड करने के लिए निकलेंगे. इस रूम में हम आ चुके हैं. गैस यही वो रूम था जिस रूम में थी वो. ओके, इस बार यहाँ पे नहीं है. ओके, इट्स राइट ओवर हियर. ठीक है, मोरोपर देखा जाए तो हमें तीन तो कंफर्म हो चुके हैं, हमें तीन कहाँ मिलेंगे. बट हाँ, रात के टाइम दौड़ के भी जाना इज नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि उनकी स्पीड हमसे काफ़ी तो फास्ट है. तो अगर दौड़ के भी जाएंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है. बॉडी इस बार यहाँ पे नहीं है. वेट, मुझे लग रहा है मेरे को इस बार ये वाली नहीं मिलेगी. यदि अगर मिलना होता ना तो यदि यहीं होती आसपास पड़ी हुई. एक बार और से थोड़ा चेक कर लेता हूँ एरिया के आसपास. व्हाट इज दिस गाइस, दिस इज नॉट गुड. एक इस बार मेरे को मिल गया, मेरे पे टाइम भी था, मैं टाइम से पहले आ गया. बट यहाँ पे एक जो है मिसिंग है अब. अरे एक जो है यहाँ पे ऊपर ये रही. ऊपर है क्या और कुछ आगे? देखो गाइस, मैंने छुप के तो देखो काफी खेल लिया, बट तो कुछ ने मेरी हेल्प नहीं करी. तो यहाँ पे एक और मेरे को दिखा, बटा और वहां होने वाली है. नो वेट अ सेकंड, मैं ये कहाँ गया? Thank you.
क्योंकि गाइस तो इसका मतलब अगर हम छुपे हुए भी हैं वो हमारी हेल्प नहीं करने वाला है, तो रात के टाइम में यहाँ बाहर निकलना ही पड़ेगा। स्केयर है बैक टू बैक जाता है कि आ रहा है वो वहाँ छोटी सी लाइट दिखी है मुझे, मैं उस लाइट को सोच कर जा रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ रात को कोई भी आ रहा है, पता है काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, मैं सुन सकता हूँ, मुझे बस इस लाइट के सोर्स का पीछा करना है इस बार। इन सारी कबूतरों किसी ने तो यहाँ पे जो मारा है खराब है, कुछ जंप स्केयर सीरियसली आप लोग यहाँ पे डरा देंगे। व्हाट इज दिस, हो रहा है क्या, हम इस घोड़े पे बैठ सकते हैं क्या? प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि मतलब हमें बॉडीज मिली कैसे, क्योंकि देखो मैप को क्योंकि अगर मैं शॉट करूंगा तो आप लोगों को मालूम है मैं ऑलरेडी ऐसे मर जाऊंगा। सामने फ्लैश लाइट है कुछ तो वहां पे, तो ये आप लोगों को पता है हॉलिंग मीटर जैसे यहाँ पे रेड होगा तो ऑटोमेटिक डेथ यहाँ पे हमारी कंफर्म है। उस चीज को छुपने पे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने, कम से कम मेरी ऑटोमेटिक डेथ ना हो। बट हाँ सीरियस गाइस जंप स्केयर ये भी समझ चुका हूँ कि अंदर बैठे रहने से बस मैं अभी तक समझ एक जगह पे नहीं गया हूँ, वो ही खत्म होगा। Hi friend. Hey, यार ये hi friend. I want to play hide and seek. You hide. I seek. यार मेरे प्ले का स्टैमिना भी खत्म हो चुका है. 9, 8, 7, 6, 5. यार वो मेरे पास आ गई, मेरे ख्याल से अगर हमारा एनकाउंटर हो जाएगा ना
तब तो बच पाना इसे मुश्किल है। देखो सीधी बात, इसको मार पाना इज नॉट इजी, क्योंकि अगर इसको इजी होता देन द गेम इज क्वाइट इजी, ऐसा नहीं गेम डिफिकल्ट है, तब तो गेम काफ़ी आसान है, बट हाँ ऐसे नहीं है। तो भाई चलते जितनी जल्दी हो सके, हमें उतनी जल्दी यहाँ पे हम करेंगे इस चीज़ को, ताकि यहाँ पे जो टाइम है यहाँ पे टाइम बचे, क्योंकि वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड यहाँ पे जो होस्ट्स हैं हमें सबको नहीं सुनते, जो बेसिकली हमें बोलते हैं हमें सिर्फ उनसे बचना है मेनली, बाकी सबको अगर हम इग्नोर भी करेंगे तो हमें मारेंगे नहीं। एंड जो हमें मारेंगे उनमें से मेनली एक जो है उसको हाइड एंड सीख खेलना हमारे साथ, तो वो उनमें से एक है। एंड सुबह अभी है, कोशिश करेंगे हम सुबह यहाँ पे जो है 3 कलेक्ट कर लें, एंड जो 2 बचेंगे उनको हम रात के टाइम अगर कलेक्ट कर पाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड रात के टाइम यहाँ पे छुपने से भी कोई मतलब नहीं, ये मेरे को मालूम चल चुका है। तो चलो चलते हैं, कोशिश करेंगे कि इस बार हम और जल्दी जो है इसे करें। फ्लैश को करो ऑन, ओके पहली तो यहाँ पे इस बार काफ़ी जल्दी मिल गया हमें, पहला वाला काफ़ी ईजी था, टाइम नहीं लगा। एंड जो सेकंड है वो इस डायरेक्शन में था चर्च के पास। सो बेसिकली वहाँ पे 2 बॉडीज़ हैं, मतलब हर बार नहीं मिलते हमें 2 बॉडीज़ जो अभी तक हमने देखने को मिला, बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ टाइम वहाँ पे 2 बॉडीज़ हैं। एंड हमें उसके बाद बॉडी ढूंढना है, बस हमें जो प्रॉब्लम है जो वो घोस्ट है जो हाइड एंड सीक खेलना चाहती है, बस हमें उससे बचना है। अगर हम उससे बच गए ना, अगर हमने उसको सर्वाइव कर लिया देन तो हम यहाँ से रात को बाकी सारे जितने भी और हैं उनको हम कलेक्ट कर लेंगे, बाकी बॉडीज़ को फाइंड कर लेंगे, डिफिकल्ट नहीं है बाकी बॉडीज़ को फाइंड करना। हाँ मैं यहाँ पे इधर वापस नहीं है ये बॉडी, ये वाली जब भी मेरे को पीछे वाली बॉडी मिलती है हमेशा ऐसा होता है कि ये वाली बॉडी यहाँ पे नहीं होती है, क्या कहीं आसपास तो नहीं है बॉडी? आसपास ही मुझे नहीं दिखती है बॉडी। मुझे जब लगता है ना कि ये इस बार इजी हो चुका है, ये उस बार इजी नहीं होता है। ये रात के टाइम में छुपना तो है नहीं, तो हम आराम से जरूर घूमेंगे। ये बार मैं इसको चेक करना चाहूँगा कि यहीं पे बॉडी है। ओके वी गॉट अनदर वन, 2 हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं, एक सामने है और सामने यूजुअली उसी वहीं हमें दिखता है। तो इस बार यहाँ पे नहीं है। एंड इसके ऊपर की साइड यहाँ पे एक बिल्डिंग थी, मैप यहाँ पे काफी मैसिव है, एंड इस मैसिव मैप में ढूंढ पाना इज नॉट दैट इजी। ये तो वही लोकेशन है, तो रात हो रही है, फिलहाल हमें फर्क नहीं पड़ता रात हो रही नहीं हो रही, क्योंकि मेरे को बस अब एक घोस्ट से बचना है। बस प्रॉब्लम पता है छोटी सी है कि अंधेरे में ना उस लोकेशन को ढूंढना इज नॉट ओके। मेरे को एक मिल गई, आया होगा गोश्त थोड़ा सा अजीब है कि इस पूरे चर्च के अंदर
I friend. I want to play hide and seek. You hide. I seek. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ready or not, here I come. Yes, man, survive kar liya. Unki samne wo thi, but okay, okay. Now let's go. He managed to survive kar liya hai. मैंने तीन क्या कलेक्ट करे, इतने गंदे गंदे जंप स्केयर आ रहे हैं. मुझे पता मैं कैसे चिल्लाने लगा हूं. जो लास्ट के दो जंप स्केयर हमें जो देखने को मिले, एंड दैट वाज, मुझे लगता नहीं भाई मेरे को बाकी दोनों मिलेंगे इतनी आराम से. It's not that difficult. Who is the object? Yes, 709 हो चुके हैं, but अभी फिलहाल सुबह नहीं हुई है. मैं श्योर नहीं हूँ सुबह की भी या नहीं होगी, क्योंकि कम लोग उतना सफाई नहीं करेंगे. What are you? क्या है ये गेम? मुझे लगता है इसमें इस गेम को आज तो पार निकल पाऊंगा. मुझे लगता नहीं मेरे को बाकी दो और जो बॉडीज में मिलनी है वो मिलने वाली है. यहाँ पे नियरली कोई सीट नहीं है हम लोगों के पास. सामने कुछ यहाँ पे मेरी अलग चीज दिखी है. फेंसेस देखिए, इन लोगों से बेसिकली मैं डरना नहीं है, ये हम लोगों को मारेंगे नहीं. Wait a second, I bought something. Okay, there is someone over there also. Which probably I have a new body in the chain. The gay, you can see. I can smell your breath. Sister don't like those who turn their back. ये तो that means कि मैं speed दिखा के नहीं कर रहा है.
था, इसको पता लगा पाना ना, बाकी से इतना इजी नहीं है। तो वो एक चीज़ें छोटी सी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट लास्ट वाली नाइट में काफ़ी गंदे गंदे जंप स्केयर्स थे, टू बी ऑनेस्ट सब बहुत गंदे गंदे जंप स्केयर थे, एक भी जंप स्केयर ऐसा नहीं था जो अच्छा हो। ओके ऑफिसर्स, गुड लक। कोशिश रहेगी कि कोई तो हमारे हाथ आए, तो अब हम उस सिस्टम को मतलब उसको देखेंगे, उसको पीठ नहीं दिखाएंगे, शायद वो पीठ पे जो है ना अटैक करती होगी, हो सकता है। ओके, इस बार हमारा जो टाइम है ये काटने वाला है। ठीक है, ये अंदर नहीं था क्या? तो मेरे को एक और ढूंढना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ना कंफर्म मुझे लग रहा था कि ज्यादा दूर नहीं जाता है, बट इस बार जा चुका है। ये लोग तो वो नहीं दिखने वाला है अब। एक तो हमें मिला यहाँ पे, बोला बात है, इस अकेले से ही काम नहीं होगा हमारा। जस्ट फॉर कंफर्मेशन मैं बाहर अंदर वापस जाकर चेक करना चाहूंगा, अगर यहाँ पे नहीं है तो मतलब इधर नहीं है। आपको पता है यहाँ से किधर भागना, मैं जाऊँगा वहाँ से ऊपर की साइड। अब चालू होंगे सारे जंप स्केयर्स। Attention, evacuate the forest before sunrise. नहीं रह पाएंगे।
यहाँ पे जो तीन पेपर्स होते हैं। अरे यार ये तो दिखी कहाँ से आती है? मैं भी फिलहाल इसको यहीं बंद करने वाला हूँ इस एपिसोड को, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक इसने मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है माइंड ब्लो कर दिया। बट हाँ गेम काफ़ी अच्छी है, कुछ चीज़ें में कन्फ्यूजन है मुझे ज़रूर है, बट हाँ कोशिश करूँगा एक और एपिसोड इसका लेके आऊँ। वरना अगले एपिसोड में पाँचों के पाँच हम यहाँ पे जो है बॉडीज़ को फाइंड कर लें। एंड अगर आप में से किसी को मालूम हो क्या क्या लोकेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर यार। अगर आप में से किसी को भी जो है मालूम है एंड गेम काफ़ी स्कैरी है, ये तो है कोई डाउट नहीं इस चीज़ में, एंड इंटरेस्टिंग भी उतनी है। रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जंप स्केयर ऐसे ऐसे आ रहे हैं, लिटरली मुझे यहाँ पे घूस बम्स आ जा रहे हैं कभी कभार। एंड घूस बम्स नहीं कहूँगा यहाँ पे बेसिकली मैं, बट यहाँ पे जो डर है उसकी वजह से पूरी बॉडी में यहाँ पे आप तो जो तरीके से करंट दौड़ जाता है वो यहाँ पे फील हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। एंड अगर आप में से कोई इस गेम को खेलना चाहो तो ज़रूर मैं कहूँगा कि आप इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करो, मज़ेदार गेम है, मज़ा आएगा। बस इतना ही कहूँगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।